चले चले आगे खड़े हो चले माता जी साइड साइड गामिया जी चले चले आगे खड़े हो चले क्या जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास ऐसी शक्ति ऐसी ताकत है, 15% वोट है साथियों हमारे पास। निषाद का बेटा अगर एक साथ हो जाए तो बिहार ही नहीं दिल्ली को आप कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों। 2014 में आए बोले हम अच्छे दिन लाएंगे, एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, लेकिन आपको क्या मिला? जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? ये बताइए कि बिहार दूसरा देश का भापाट है क्या? ये बिहार बंगाल बांग्लादेश में है क्या? ये बिहार पाकिस्तान में है? अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, अगर हिंदुस्तान में है और एक ही संविधान से चल रहा है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां गठबंधन बनाने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार यूपी और झारखंड की यात्रा पर निकले हैं। मुकेश सहनी अपने शाही रथ से बीते दिन गया जिले पहुंचे थे। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा मुकेश सहनी कर रहे हैं। 101 दिनों की यह यात्रा है और तमाम निषाद समाज के बीच जाकर उन्हें एकजुट करने का प्रयास उनके तरफ से लगातार किया जा रहा है। निषादों के आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश और समाज में जागरूकता लाने के लिए भी उनकी यह यात्रा बेहद अहम है। आगामी चुनाव में मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी का जो निशाना है वो 3 राज्यों के 60 लोकसभा सीटों पर है। और बीते दिन जब गया पहुंचे तो वहां पर किस प्रकार का माहौल बना था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गया के कई अलग अलग जगहों पर मुकेश सहनी की सभा हुई और वहां पर एक बार फिर से तमाम उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हाथों में गंगा जल देकर मुकेश सहनी ने संकल्प दिलाया है। निशाना एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है और साफ तौर पर कहा है, आरक्षण नहीं तो समझौता नहीं। सुनिए मुकेश सहनी को। आज बताइए ना, आजादी के 77 साल हो चुका है, आज तक कोई आया आपसे लड़ने के लिए? नहीं आया, और आने वाला 100 साल तक भी आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। मैं आपके लिए लड़ने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपका भाई आपका बेटा हूँ और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज अगर मैं ब्राह्मण या भूमियार या यादव जी होता तो मैं आपके लिए नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूँ, अपने आप को कहता हूँ कि मैं नशा नोट मल्ला हूँ, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। तो साथियों अपने वोट को ताकत को समझिए। आज यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास ऐसी शक्ति ऐसी ताकत है, 15% वोट है साथियों हमारे पास। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारे पास ताकत है साथियों। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन पता नहीं था कि उनके पास शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो वही हनुमान जी सात समुद्र पार जाकर रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर जिस रोज पूरे बिहार यूपी झारखंड में निषाद का बेटा अगर एक साथ हो जाए तो बिहार ही नहीं दिल्ली को आप कब्जा कर सकते साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज इस देश में पैसा से भी बढ़कर है साथियों पावर, और पावर आपके उंगली में है। सिर्फ जरूरी है कि अपने लिए वोट बटन दबाइएगा तो पावर आपको मिलेगा साथियों। जैसे हमारे यादव भाई ने अपने लिए पावर वोट गिराया तब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने साथियों। आज बताइए ना, आज वर्षों से हम लोग गरीब है, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा, लेकिन वही मोदी जी का RSS का सरकार बना। 2014 में आए बोले हम अच्छे दिन लाएंगे, एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, लेकिन आपको क्या मिला? आपको 5 किलो चावल मिल रहा है,
वो आपको गुलाम बनाना चाहता है कि ताकि आप हमेशा गुलाम बन के रहे। और नौकरी आपने देखा EWS 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया गया, ब्राह्मण भूमिहार लाला को दिया गया। जो 8 लाख कमाने वाले को आज भारत सरकार गरीब मानता है, लेकिन निशाद का बेटा अगर 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता उसको गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है। आज 8,000 रुपया महीना एक निशाद का बेटा नहीं कमा पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, उसको आज भारत सरकार गरीब नहीं मानता है। लेकिन आज ब्राह्मण भूमिहार का बेटा को 70,000 रुपया महीना कमाने वाले को आज गरीब मान रहा है। साथियों, गरीब मान रहा है, ये कैसे हुआ? ये वो पावर मेरा इसलिए हुआ, और ये पावर आपके पास है, ये पावर अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। आप बताइए ना, बंगाल में आरक्षण है बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? ये बताइए कि बिहार दूसरा देश का भापाट है क्या? ये बिहार बंगाल बांग्लादेश में है क्या? ये बिहार पाकिस्तान में है? अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, अगर हिंदुस्तान में है और एक ही संविधान से चल रहा है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ा, आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आज आप मझधार में फंसे हैं। साथियों, आज हम वो लोग उस कुल खानदान के लोग हैं, एक लव के वंशज हैं। हम वो कुल खानदान से आते हैं कि हमारे नाव पे बैठे श्री राम जी तो हम उनको पार लगाए, लेकिन आज आप मझधार में बैठे हैं, आपको पार लगाना पड़ेगा। साथियों, तो अभी आपने सुना विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जो कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर गया पहुंचे थे, जहां पर अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और तमाम उपस्थित कार्यकर्ता और समर्थकों के हाथों में गंगा जल देकर संकल्प भी दिलाया है। मुकेश सहनी की यह यात्रा कितना प्रभाव छोड़ पाएगी आगामी चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी अपनी इस यात्रा के जरिए तमाम अपने समाज के वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। यूपी, बिहार और झारखंड में 60 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है, जो उनके साथ समझौता करेगा, जो आरक्षण देगा, वो 60 सीटें जीतेगा, और जो नहीं देगा वो 60 सीटों पर चुनाव हारेगा। अब मुकेश सहनी का यह यात्रा वाला दांव कितना कामयाब होगा और NDA या फिर INDIA इनमें से किसके साथ मुकेश सहनी गठबंधन करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी की यह यात्रा बिहार, यूपी और झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय तो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।